लाइफ में एक अच्छे और सही साथ की जरूरत हम सबको महसूस होती है, लेकिन सबसे जरूरी साथ किसका होता है ये हम में से बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। और आइए इस बात को एक कहानी से समझाते हूँ। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक किसान था जिसका नाम था हरिया। उसकी एक घड़ी खो गई थी। वो अपने घर में घड़ी को ढूंढने की काफी कोशिशें कर रहा था। अब घड़ी ऐसे तो बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन उससे इमोशनली थोड़ा अटैच्ड था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी घड़ी मिल जाए। अब उसने जब एक आधी घंटे अपनी घड़ी ढूंढ ली, कभी अपने कमरे में ढूंढता, कभी घर के बाहरी हिस्से में, कभी अंदर, कभी अनाज के ढेर पर, लेकिन उसे कहीं घड़ी नहीं मिल रही थी। तब उसने घर के बाहर अपने बच्चों और उनके साथ खेल रहे गाँव के दूसरे बच्चों को बुलाया और बोला, सुनो, जो मेरी घड़ी ढूंढेगा ना उसको 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या था, बच्चे बड़े जोश से घड़ी ढूंढने में लग गए और कई घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद भी घड़ी नहीं मिली। सब लोग हताश और निराश से हो चुके थे और किसान भी ये मान चुका था कि शायद अब उसकी घड़ी नहीं मिलने वाली। इतने में उन सारे बच्चों में से एक सचिन दौड़कर इसके पास आया और बोला, काका, मैं एक कोशिश और करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार ना उस घड़ी को ढूंढने का प्रयास मैं बिल्कुल अकेले करना चाहता हूँ। अब हरिया को लगा कि जा क्या रहा है इसे एक और मौका देने में, हरिया को तो अपनी घड़ी चाहिए थी। उसने कहा, ठीक है, झट से हाँ कर दी हरिया ने। थोड़ी देर बाद सचिन हरिया के बेडरूम से, सोने वाले कमरे से बाहर निकला और उसके हाथ में घड़ी थी। सब लोग हैरान कि यार इतने घंटों से इस घड़ी को सब लोग ढूंढने में असफल रहे, फिर तुमने ये घड़ी कैसे ढूंढ ली, क्या किया? तब सचिन ने बताया, कुछ नहीं किया काका मैंने, मैं अंदर कमरे में गया और शांति से बैठ गया। बिना किसी आवाज के मैंने घड़ी की आवाज पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करी और जब मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी शांति की वजह से, तब मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगाया। अलमारी के पीछे पड़ी हुई थी घड़ी और मुझे मिल गई। हरिया बहुत खुश हो गया, सचिन को भी 100 रुपये मिल गए और हमें और आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है इससे। कई बार ना हम लाइफ के शोर में, कॉम्पिटिशन में, होड़ में इतने बिजी रहते हैं कि जो चीज हमें सुननी चाहिए या जिस भी चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए वहां हम ध्यान नहीं दे पाते। थोड़ा देर अपने आप को शांति में रखिए। हर दिन में कुछ वक्त ऐसा जरूर निकालिए जब आप शांति से सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, खुद के साथ वक्त बिताएं। तब आप उस शांति में अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे जो आपको एक सही दिशा दिखाएगी। याद रखिए, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कोई है ना, तो वो आप खुद है। अपने आप को कभी हल्के में मत लीजिए। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।